नवीन पटनायक निजे मुख्यमंत्री थला बेले भी विधानसभा रे अनुपस्थित रहंती जेते दिन विधानसभा चलिया कथा तो बहुत कम करदे कहीं से क्षमता चाहती किंतु क्षमता मंदिर जो मैंने गणतंत्र मंदिर समय कटाक चाहती ना देखु सी निजे थे मुख्यमंत्री ये राज्य सभापति दुईटा दायित्व एवं भी विरोधी दल नेता और राज्य सभापति जदि विरोधी दल नेता तो विधानसभा रुह सरकार त्रुटि गुड़ाक जनसाधारण दृष्टि आण और विधानसभा उपस्थापित कर ना मु क्षमता छाड़बिनी विधानसभा रही ये कौ स्कीम एटा कह साधारण जनता को प्रचारित कला भाया व्यवस्था जदि दल को मजबूत करा चाहू बिजेडी की आगु को लोक विश्वास जनावाक चाहू तुम ये दलर सभापति और विरोधी दल नेतृत्व नहीं विरोधी दल नेता हिसाब से तुम मान्यता अच्छी तहार तुम दायित्व निर्वाह कर केवल मु पदवी माड़ बस दायित्व निभेबी ना यह केवल लोक ठकबार एक बाहाना और आत्म प्रवचन अन्य नाम नवीन बोली कह जो कहते बीजेपी जो से नारा देखे नवीन बाबू असुस्थ एवं असुस्थ अच्छे ना सुस्थ कारण नवीन बाबू तो क्षमतार गला सुंदर भाव में चलुले सुंदर भाव में बुलिले पुणी एवं कहीं असुविधा है केतबेले से असुस्थ केतबेले सुस्थ जेपर्यंत चिकित्सा कराएनि मेडिकल द्वारा चेक नक किए क्या कर सब्यस्त केबे सुस्थ केबे असुस्थ मेडिकल द्वारा चेक हेला परे हेबे से सब्यस्त साधारण जनता को पैसा ना विधानसभा विधानसभा पैसा खर्च हो माने केवल पाटितुंड नक गुरुत्वपूर्ण प्रसंग गुड़ पर आलोचना करा जीवो सरकार को दिशा एवं दिशा दिया जीवो सरकार को भूल पदक्षेप को समालोचना करा जीवो ताले सरकार ने जो सुधारे जनसाधारण काम करेंगे केवल पाटितुंड बंद कले विधानसभा बंद करदे लोक समस्या समाधान हम ना नवीन बाबू जाऊँगी निजे सी केवे विधानसभा रहा को भल पाती नहीं मुख्यमंत्री थे बेले भल पाती विरोधी द्वारा विधानसभा बंद कराती पैसा देकर सदा बेले चाहती जे मु क्षमता रही किंतु दायित्व ने भी नहीं मानने विधानसभा जो वैधानिक दायित्व सी तुलाइया भी सदा पछती कह तुमको लोक निर्वाचित कले तुम विधानसभा बस लोक कथा कर विधानसभा को बाद दे विधायक हे विधानसभा को बाद दे मुख्यमंत्री हे विधानसभा को बाद दे विरोधी दल नेता हे तार तो कौन ये गोटे आत्म प्रवचन छड़ा कि नुह तो निजक सुधारत जी दल भविष्य चाहती तेल विधिवत भाव में विधानसभा बसतु विरोधी दल जो शक्तिशा भूमिका निभातु साधारण लोक विश्वास जन हूँ शुण गोटे कथा शासक दल विरोधी दल को से क्षमता दब जहाँ सांविधानिक भितर अच्छे संविधान बाद अधिक दे कि से निजक असुविधा तैयारी करेंगे ना ताकि थे जी देदेवे तो कल सरकार अड़ुआ पड़े सरकार सजग अच्छा से मैंने दाबी करुँचर सांविधानिक दृष्टि ये मैंने सजग अच्छा सांविधान भितर जी देव से देवे आहाँ अड़ुआ पड़े से देवे ना जेहतु विरोधी बहुत टाण अच्छा भारी पड़े लगुच शुण विरोधी टाण कौन ये कौन विरोधी जितेबले लोके तातीबे से जानवजे शासक दल डर केवल विरोधी ताति हेनी जनता जबरन ताति नहांती विरोधी ताति ताति निजे से गरम रु थंडा हो जनता ताति थंडा भी गरम हो सर सुभद्रा योजना शुण सब किसी योजना ना जगह गोटे योजना आसला सुभद्रा रात एका थे 50,000 पाई ए बर्ष कहे 5 वर्ष भूली जाए सरकार भी चालाक लोक भी चालाक तेणु सी कहते टिके टिके दौले मन रखिए तो 5 वर्ष बांटी कुंटी दे आसुव जाऊ मन रखिथे तेणु ये देखे एका 50,000 पाई खर्च करदेव सी भी जमी चालाक ये भी सीमें चालाक कही प्रतिश्रुति दे प्रताण नुह कितु जो भाई प्रतिश्रुति पूरा परिपूर्ण करना तेणु देने नदे भाई ऑपरेशन सक्सेस पेशेंट डेड अजित पसाय जो तार चेयरमैन अच्छा एस आई टी जो कला टंकार आदान प्रदान कला टंका रोकवा जो कला टंका कलाधन जो कौटी अच्छी चिन्हट करवा कौन जबत हो तार मूल आधार कौन से बैठक डकाई से ईडीर डायरेक्टर से आ भावी या करा द्वारा दुर्नीति दुर्नीति वाला टे डे निजक टे द्वारा आवेरनेस बढ़ यहाँ भल कथा जो सी चेयरमैन डाकि सांविधानिक पदर अच्छा डक दरकार कलाधन कौट होती तर चढ़ोवा दरकार कलाधन चढ़ऊ हेले सब व्यवस्था परिवर्तन आसो जो प्रगति से दुर्नीति हम नहीं जो स्कीम से स्काम हम तेणु स्कीम स्कीम ना स्काम बंद हे प्रगति ना दुर्नीति बंद हे यदि चढ़ऊ बारंबार हम तार्थ ना किए कोटिपति नहीं कूटरपति की बुलवे तेणुक आम किए गरीब किए धनी किए हम कौन कहल किए हम अंबानी किए आउ किए कौन हम आदानी आम किए हम धनी आम हवा गरीब से धनी लगुच सर जो पुराणा बड़ बड़ खी दुर्नीति जमी दुर्नीति अच्छी फाइल खोली पारे खी दुर्नीति जो है खी दुर्नीति निजे तो
ମୋହନ ମାଝୀ ତାଙ୍କ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ବେଶୀ ଖଣି ଦୁର୍ନୀତି କେଉଁଝର ହେଇଛି, ସେ ତ ନିଜେ ବି କେତେ ବୈଠକରେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଖଣି ଦୁର୍ନୀତି ତାଙ୍କୁ ଝାରପଡ଼ ପଠାଯିବ। ଦେଖାଯାଉ କେବେ ଉଚ୍ଚାରଣ ଓ ଆଚରଣରେ ପରିପ୍ରକାଶ ପାଇଲେ ଦୁର୍ନୀତି ଖୋର ଲୋକଙ୍କୁ କେତେ କେତେ ବନ୍ଧା ହେଲେଣି, କେତେ ଅଫିସର ବସ ବନ୍ଧା ହେଲେଣି, ଧରା ହେଲେଣି। ଏଇ ଧରା ଧରା ଧରାଧରିଟା କେବଳ ସୀମିତ ନ ରହି ଏଇ ଧାରାବାହିକ ଭାବରେ ଦୁର୍ନୀତି ଅଫିସରମାନଙ୍କୁ ଧରାଯିବ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଓଡ଼ିଶାରେ କିଛି ନୂଆ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ଶୁଣ, ଆଗରେ ଯାହା ପାଖେ ଧନ ଥିଲା ସିଏ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଏକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେଉଥିଲା, ତେଣୁ ଜିରୋ ବାଲାନ୍ସରେ ଏକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିବାର ବା ସୁଯୋଗ ଯେଉଁ ଦେଲା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମୋଦି ଆସିଲା ପରେ, ତାହା ଲୋକଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, କାହିଁକିନା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅନୁଦାନ ହେଉ ବା ଭତ୍ତା ହେଉ ବା ଯାହା ସୁବିଧା ହେଉ ସବୁ ଏକାଉଣ୍ଟରେ ଯିବ, ବାଟରେ ଆଉ ବାଟମାଣା ହେବ ନାହିଁ। ଜନଧନ ଯୋଜନାଟି ହେଉଛି ଗୋଟେ ଲୋକାଭିମୁଖୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା ବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ଥିଲା, ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କୁ ସହାୟକ ହୋଇଛି। 53 ଲକ୍ଷ ହେଉ ବା 60 ଲକ୍ଷ ହେଉ ଯେଉଁ ଆକ୍ଟିଭ୍ ଅଛି, ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତା ଅଧିକ ବି ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରାଯିବା ଦରକାର। କାହିଁକି ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିଜିଟାଲ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଚଳିତ ହେଲାଣି, ଫିଜିକାଲ ଟଙ୍କା କାହା ପାଖେ ନାହିଁ, ଆପଣ ଯେଉଁଠି ଗଲେ ପ୍ରାୟ ଡିଜିଟାଲ ହିଁ ପେମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଏକାଉଣ୍ଟ ଥିଲେ ତ ଡିଜିଟାଲ କରିବ। ତେଣୁ ଏକାଉଣ୍ଟ ଜନଧନ ଯୋଜନା ଏକ ମାନେ ମୋ ଜାଣିବାରେ ଗୋଟେ ଭଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଥିଲା, ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଯେତେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଭିତରେ ସିଏ ଏକ ଲୋକାଭିମୁଖୀ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଥିଲା। ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଅଧିକ ପ୍ରସାରିତ କରିବା ଦରକାର, ଅଧିକ ଆୱାରନେସ୍ କରିବା ଦରକାର, ଏହାଦ୍ୱାରା ଲୋକ ବେନିଫିଟ୍ ପାଇବେ। ଏବେ ଯେଉଁ ଜଷ୍ଟ 3 ତାରିଖରେ ଯେଉଁ ହେଲା 12ଟି, ଏବେ ଯେଉଁ 3 ତାରିଖ ହେବାର ହେଉଛି ଫଳାଫଳ, ଏବେ ପୁରା ଅଲରେଡ଼ି ଘୋଷଣା ହୋଇଗଲା 12ଟିରୁ ପ୍ରାୟ 9ଟି ହେଉଛି ବିଜେପି ଏବଂ ତା ସହଯୋଗୀ ଦଳ 2ଟି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ 1ଟି ପାଇଛନ୍ତି। ତା ଅର୍ଥ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଯେଉଁ ନିଅଣ୍ଟ ପଡ଼ୁଥିଲା ପ୍ରାୟ 112 ନା 113 ଆସିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେପି ପାଖରେ ରହିଲାଣି, ତେଣୁକରି ଏବେ କାହାର ସାହାଯ୍ୟ ନେବା ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଏବଂ ମମତା ମହାନ୍ତକୁ ଯେଉଁ ବିଜେଡ଼ିରୁ ଆଣିକି ବିଜେପିରେ ପୁଣି ପୁନର୍ବାର ସୁଯୋଗ ଦିଆଗଲା, ତା ଅର୍ଥ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେଉଁ ବିଜେଡ଼ିର ରାଜ୍ୟସଭା ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଉପରେ ଗୋଟିଏ ଆଣିକରି ପୁଣି ବିଜେପିରେ ପରିବର୍ତ୍ତ କରାଯିବ। ଇଏ ହେଉଛି ଅପରେସନ୍ କମଳର ଏକ ନୂଆ କୌଶଳ, ତେଣୁ ୟା ପରେ ବୋଧେ ଆସିବେ ସୁଜିତ କୁମାର, ନିରଞ୍ଜନ ବିଶି, ଆଉ କେତେ ଯିବେ ଖସି। ତେଣୁ ବିଜେଡ଼ି ଯଦି ଏବେଠୁ ତାଙ୍କୁ ନ ରଖିବ ଠିକ୍ରେ, ଖୁସିକରି ନ ରଖିବ, ତାହେଲେ ଦଳ ଦୁର୍ବଳ ହେବ, ଲୋକସଭାରେ ନାହିଁ ରାଜ୍ୟସଭା ମଧ୍ୟ ହାତରୁ ଚାଲିଯିବ।